माघ मास शुक्ल पक्ष में जया एकादशी मंगलवार को श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। इसकी इंदस निवासी पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार इस अवसर पर रवि योग, प्रीति योग और आयुष्मान योग का शुभ संयोग बन रहा है। इस त्रियोग में भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक, परिक्रमा एवं कथा सुनने से मनोकामना पूर्ण होने की मान्यता है। इसके अलावा मंगलवार को सुबह 6:01 पर मिथुन और कन्या राशि के स्वामी बुध मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यह देश विदेश की खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। माघ मास शुक्ल पक्ष में मनाई जाने वाली एकादशी कल जया एकादशी के नाम से 20 फरवरी मंगलवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। एकादशी तिथि का शुभारंभ 19 फरवरी को प्रातःकाल 8:52 पर होगा और कल 20 फरवरी को प्रातःकाल 9:56 तक एकादशी तिथि रहेगी। शास्त्रों उदया तिथि में जो तिथि विद्यमान रहती है उसी दिन उस एकादशी का व्रत और पूजन किया जाता है, इसलिए शास्त्रों कल 20 फरवरी मंगलवार को ही माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। कल जया एकादशी पर रवि योग, प्रीति योग और आयुष्मान का शुभ संयोग बन रहा है। इन त्रियोग में एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करने से, भगवान विष्णु की परिक्रमा करने से, एकादशी की कथा सुनने से और एकादशी का व्रत करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और श्रद्धालुओं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा शास्त्रों में माना गया है। इसलिए माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का संसार में बहुत अधिक महत्व माना जाता है। वहीं कल 20 फरवरी मंगलवार को प्रातःकाल 6:01 पर मिथुन और कन्या राशि के स्वामी और ग्रह के राजकुमार बुध ग्रह मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में गोचर अर्थात प्रवेश करेंगे और यह बुध राशि का कुंभ राशि में प्रवेश करना देश प्रदेश की खुशहाली, सुख समृद्धि व प्रगति का योग माना गया है, इसलिए कल एकादशी का विशेष महत्व माना गया है।